हेलो वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम मॉलिक्यूलर मॉडल थ्योरी अर्थात आणविक कक्षा सिद्धांत को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। इससे पहले जो हमने वीडियो लेक्चर बना रखे हैं उसमें हमारा फोर्थ वीडियो लेक्चर और फिफ्थ वीडियो लेक्चर एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है, जिसमें कि हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस प्रकार से बनते हैं और बॉन्ड ऑर्डर किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसको डिस्कस किया है। उसके बाद के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें हमने डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और आयन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीखेंगे। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए हम दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। इन पैरेलल लाइंस के लेफ्ट हैंड साइड में हम एक एटम, जैसे ये O2 मॉलिक्यूल है, दो एटम से मिलकर के बना है 8O, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 इस प्रकार से, दूसरा एटम और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाते हैं 1s 2s 2px 2py 2pz, इनके इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए अकॉर्डिंग टू कुंड्स रूल, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से हमने इसके कुंड्स रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब इधर का बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बना लीजिए 1s ठीक इसी के सामने 2s 2px 2py 2pz, 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, फिल कर दीजिए 2px 2py 2pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 1s में, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ओवरलैपिंग दिखा दीजिए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। क्योंकि ये O2 मॉलिक्यूल है तो इसमें हम पहले 2pz वाला बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं, उसके बाद 2px और 2py के बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये हमने अपने फोर्थ वीडियो लेक्चर में काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया है, एक बार आप उसको अवश्य देख लीजिएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर ये 2px 2py के एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स और ये 2pz का एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं अकॉर्डिंग टू मून्स रूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरा मैग्नेटिक नेचर का होगा। बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए, फॉर्मूला आपको मालूम है, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। काउंट कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 2 4 5 और 1 6। तो इस प्रकार से 2 इसका बॉन्ड ऑर्डर आया। हम कह देंगे कि O2 मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दीजिए, सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s2 ये वाला आ गया, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद ये सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 बराबर पाई 2p/2, ये दोनों आ गए। इसके बाद ये वाला पाई स्टार 2px1 बराबर पाई स्टार 2p/1, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एक सिंपल सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, इसको अपनी कॉपी में अवश्य बनाइएगा। O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना चुके हैं, उससे संबंधित जो जानकारियां थी वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं। अब इनके आयंस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना हम सीखेंगे। पहले हम O2 माइनस आयन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि हम दो लाइन इस प्रकार से पैरेलल खींचते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाते हैं। O2 आयन पॉजिटिव तो 8O एक इलेक्ट्रॉन यह त्याग देगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 3,
और दूसरा 8O, 1s2, 2s2, 2p4, 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, इलेक्ट्रॉन भर दीजिए हुंड के नियम के अनुसार, 1s, 2s में 2, 2p में यहाँ पर 3 ही हैं, 1s में 2, 2s में 2, 2p में यहाँ पर 4 हैं, अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, 2px, 2py, 2pz, इसको मेंशन करना जरूरी है, 2px, 2py, 2pz, कॉम्बिनेशन करवा दीजिए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ पर हम पहले 2pz का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, उसके बाद 2px और 2py का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2px 2py का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 2pz का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 और 8, 15 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पैरा मैग्नेटिक नेचर का होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए जो कि होगी हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और एंटी बॉन्डिंग में 2, 2, 4 और 1, 5 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद ये आएगा सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 बराबर पाई 2py2, इसके बाद पाई स्टार 2px1 बराबर पाई स्टार 2p/0। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सिंपल सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, इजीली आप इसको बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेगेटिव आयन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, यही करेक्शन कर देता हूँ मैं, माइनस का एक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा दीजिए इसको, 4 होते हैं तो 5 कर दीजिए, उनके नियम से इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 and 9, इस तरीके से इसका उनके नियम से हमने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भर दिए। इधर तो ऐसे ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 और 8, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इस तरीके से हो जाएगा। अभी पैरामैग्नेटिक नेचर का है क्योंकि इस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल निकाल दीजिए जो कि होगा हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 10 इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 7 है यहां पर, तो ये हाफ एंड 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz 2 पाई 2px 2 बराबर पाई 2py 2 सिग्मा स्टार 2px 2 बराबर सिग्मा स्टार 2py 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पर ही मैंने करेक्शन कर दिया है, बहुत ईजी है, आपको तो दोबारा बनाना होगा, इसको बनाइएगा अपनी कॉपी में, और यदि कोई परेशानी आती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट और लास्ट आयन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। अब की बार यहाँ पर O2 के पास माइनस के 2 आवेश हैं, या तो आप एक लेफ्ट हैंड साइड में बना दीजिए आयन, एक राइट हैंड साइड में बना दीजिए, या फिर दोनों को ही एक साइड में बना दीजिए। मैंने यहाँ पर दोनों को ही एक साइड में बना देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसका तो इसी प्रकार से होगा। अभी इसमें
टेन इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे हम हुंडे के नियम के अनुसार से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये आ गया 10। इधर तो ये ऐसे ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल जो है वो 18 है, 10 इधर और 8 इधर, 18 भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया, बॉन्ड ऑर्डर निकाल देते हैं। अच्छा यहाँ करेक्शन करना होगा, ये जो है डाया मैग्नेटिक नेचर का होगा क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन इसके पास युग्मित यानी कि पेयर्ड फॉर्म में है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही है, और एंटी बॉन्डिंग्स में 2 2 4 2 6 2 8, तो 7 की जगह यहां पर 8 कर दीजिए और बॉन्ड ऑर्डर इसका आ गया 1 सिंगल बॉन्ड होगी। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz 2π 2px 2 बराबर पाई 2py 2 पाई स्टार 2px 2 बराबर पाई स्टार 2py 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार ये जो हमारी सीरीज, इस प्रकार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अर्थात आणविक कक्षा सिद्धांत की जो हमारी सीरीज थी वो फिनिश होती है। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को 9 छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्कस किया। इसमें जो पहले पार्ट से लेकर के जो 5th पार्ट तक के वीडियो लेक्चर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो सब बेसिक हैं जिनकी सहायता से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। आप उनको अवश्य देखिएगा, अपने मेरे को शेयर कीजिएगा। अगर कहीं पर भी कोई परेशानी या कठिनाई आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।